करेंगे फंक्शन के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। एवरी सी प्रोग्रामिंग हैज इट वर्स्ट वन फंक्शन होता ही है एंड विच इज मेन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन बी डिफाइंड एडिशनल फंक्शंस। जो कि हम अभी हेलो वर्ड का भी टाइप किया हमने पहले, तो उसमें फंक्शन होता है जो कि मेन फंक्शन होता है। फंक्शन हर एक टास्क को परफॉर्म करता है, एज ए प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इन सेपरेट फंक्शंस। हाउ यू डिवाइड ए कोड अमॉन्ग्स डिफरेंट फंक्शंस इज अप टू यू। कैसे डिवाइड करना है ये आपके ऊपर है, बट डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन का यूज करके। बट लॉजिकली डिवीजन यूजुअली सो ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर एक फंक्शन का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो वो फंक्शन कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो देखिए, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड न्यूमेरिक बिल्ड इन फंक्शन। पहले से फंक्शन बने हुए मिल जाते हैं। योर प्रोग्राम कैन कॉल फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस स्ट्रिंग कैट कट, यहाँ पर कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग एंड फंक्शन मेमो कॉपी इज टू कॉपी वन मेमोरी एलोकेशन लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। ये दो फंक्शन है जिनका आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद डेफिनेशन की बात कर लेते हैं मशीन इसकी। द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज डिफाइनिंग सी प्रोग्रामिंग इज रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। ये उसके कुछ फंक्शन फॉर्मूला टाइप है। देन उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस एंड उसके बाद में जिसका उसका जो फंक्शन है बॉडी का, वो बॉडी ऑफ द फंक्शन, इस दोनों के बीच में आपका जो फंक्शन का पूरा बॉडी है, जो भी पूरा कोड है, इसके बीच में आ जाएगा। देन आफ्टर द डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। हेयर आर द पार्ट ऑफ फंक्शंस, कुछ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स देन फंक्शन बॉडी। रिटर्न टाइप अ फंक्शन में भी रिटर्न अ वैल्यू एंड द रिटर्न वैल्यू टाइप एंड डाटा टाइप्स वैल्यू फंक्शन रिटर्न्स। सम फंक्शंस परफॉर्म अस डिजायर ऑपरेशंस विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। इन दिस केस द रिटर्न टाइप इज कीवर्ड वॉइड एंड फंक्शन नेम। दिस एक्चुअली नेम इज फंक्शन एंड द फंक्शन नेम इज पैरामीटर लिस्ट। टुगेदर कंसिस्ट अ फंक्शन सिग्नेचर। दोनों साथ में मिलकर फंक्शन सिग्नेचर को परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट दोनों भी होते हैं। देन पैरामीटर्स, अ पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर। व्हेन अ फंक्शन इज इनवोक यू पास अ वैल्यू टू द पैरामीटर्स। द वैल्यू इज रेफर्ड एंड एक्चुअल पैरामीटर्स और आर्गुमेंट एंड द पैरामीटर्स लाइक रेफर्ड टू द टाइप ऑफ ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। फंक्शंस पैरामीटर्स और ऑप्शनल फंक्शंस में भी कंटेन द पैरामीटर्स। यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर जो भी हम वैल्यू पास करते हैं, उसके अंदर में जो भी हम एक्चुअल वैल्यू परफॉर्म करते हैं, वो आर्गुमेंट वहाँ पर विदाउट एनी ऑप्शनल के थ्रू वहाँ पे परफॉर्म हो जाता है और कोई भी अदर कंटेन नहीं करता पैरामीटर्स को। देन फंक्शन बॉडी, द फंक्शन बॉडी कंटेन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट एंड डिफाइन द फंक्शन डज। तो फंक्शन को क्या करना है वो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट में पता चल जाता है। उसके हिसाब से हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉलोइंग रिसोर्सेज, यहाँ पर मैक्स, यहाँ पर फंक्शन लिया गया है। मैक्स मतलब मैक्सिमम जो रिजल्ट होगा वहाँ पे दिखाएगा। दो यहाँ पर हम लेंगे पैरामीटर्स, उसके बाद में हम लोगे मैक्सिमम नंबर जो है वो दिखाएगा। जहाँ पर दो पैरामीटर्स लिए मैक्सिमम नंबर दिखाया गया, नंबर वन इज मैक्सिमम, तो वहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया गया है। इससे पहले भी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा हुआ है। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने पड़ेंगे, उसके रिलेटेड हम नेक्स्ट टू वर्ड वीडियो लेकर आएंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेट एंड द फंक्शन जो एक्चुअल बॉडी होती है फंक्शन की, वो सेपरेट डिफाइन की जाती है। अ फंक्शन डिक्लेरेशन हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, जो कि मैंने पहले से बताया था। मैक्स का हम लोग ने रिजल्ट में मैक्सिमम निकाल के दिखाया हुआ था। कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करना क्या होता है। वाइल क्रिएटिंग अ सी फंक्शन यू विल गिव अ डिफिनेशन ऑफ अ व्हाट अ फंक्शन हैज़ टू डू एंड टू यूज द फंक्शंस विल हैव टू कॉल द फंक्शन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हमें फंक्शन को बुलाना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। व्हेन अ प्रोग्राम कॉल्स फंक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल एंड ट्रांसफर ऑफ कॉल्ड फंक्शंस। अ कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म डिफाइंड टास्क, उसको एक स्पेसिफिक डिफाइंड टास्क दे दिया जाता है जिसको उसको करना होता है। व्हेन रिटर्न द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेस
इन रिटर्न ऑफ द फंक्शन कंट्रोल द बैक एंड मेन मेन प्रोग्राम्स, यहाँ पर एक प्रोग्राम है उसको रन करके आप इजीली देख सकते हो। एंड उसके बाद में फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है, इन द फंक्शन आर्गुमेंट वी विल बी डिफाइंड, एंड उसके बाद में इन द फंक्शन आर्गुमेंट यूज आर्गुमेंट इन द डिक्लेरेशन एक्सेप्ट द आर्गुमेंट देयर विल बी वेरिएबल कॉल्ड द फंक्शन पैरामीटर्स ऑफ द प्रोग्राम द फॉलोइंग पैरामीटर्स बिहेवियर अदर लोकल वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शन इज क्रिएटिंग अपॉन द डिस्ट्रॉयड अपॉन एग्जिस्टेंस फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। मैंने तो अब तक फंक्शन को सिर्फ कॉल किया था, वैल्यू के थ्रू फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल बाय वैल्यू पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कॉपी एन एक्चुअल फंक्शन आर्गुमेंट इनटू अ फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन एंड इन दिस केस चेंज द मोड एंड पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन दिस ऑन द आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग यूज टू वैल्यू मेथड पास आर्गुमेंट, यहाँ पे मैथड पास आर्गुमेंट पे पास यूज करती है। इन दिस केस चेंज द मोड पैरामीटर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता आर्गुमेंट्स का, तो जिसको बोलते हैं वैल्यू से मेथड को पास करना जिस पे आर्गुमेंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इन जनरल मीन्स कोड विद इन द फंक्शन कैन नॉट बी आर्गुमेंटेड यूज कॉल, यहाँ पे इन जनरल मतलब एक लाइन में बोला जाए तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं कॉल बाय फंक्शन यूजिंग द वैल्यू। यहाँ पे स्वैप का दिया गया एग्जांपल जिसको आप रन करके देख सकते हो, ये पूरा का पूरा वैल्यू स्वैप के रिलेटेड है और उसको आप किसी भी कंपाइलर में डाल के रन कर सकते हो। IDE प्लस कंपाइलर बोथ आर रिक्वायर्ड अगर आप PC या फिर लैपटॉप ले हो, एंड अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जो सिंपली सोलर लर्न में डाउनलोड करोगे तो उसमें भी रन हो जाते हैं। सोलर लर्न एप्लीकेशन है जो आपको दोनों प्रोवाइड करता है एंड सी को पढ़ने में भी हेल्प करता है, बट हमें एग्जाम के रिलेटेड पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते। फंक्शन कॉल बाय रेफरेंसेस, द कॉल बाय रेफरेंसेस मेथड पास आर्गुमेंट एंड फंक्शन कॉपीज एड्रेस एंड आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन एंड एड्रेस इज यूज्ड टू बी द एक्सेस आर्गुमेंट्स एंड यूज्ड टू द कॉल एंड दिस मीन्स हैव अ चेंज मेड विद द पैरामीटर्स अफेक्ट द पासेस आर्गुमेंट। ओके, यहाँ पे पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं अगर हम किसी भी आर्गुमेंट को पास करते हैं, देन सेकेंड इसमें काफ़ी सारे और पैरामीटर्स होते हैं जिनको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। टू पास द वैल्यू ऑफ रेफरेंसेस आर्गुमेंट पॉइंटर एंड पास द फंक्शन जस्ट एनी अदर वैल्यू एंड सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू विद द डिक्लेरेशन फंक्शन पैरामीटर्स एंड पॉइंटर टाइप फॉलोइंग द 5 टाइप स्वैप, जो कि हमने पीछे टाइप स्वैप को देखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइप कमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ये मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर ये प्रोग्राम रन करता है। ये जो है ये मल्टीपल लाइन कमेंट है एंड देन यहाँ से स्टार्ट हुआ है जो स्वैप का फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे रिजल्ट जब रिटर्न जब 0 हो जाएगा तो वहाँ से फंक्शन रन हो जाएगा, उतने पार्ट रन हो जाएगा, देन इसके नीचे ये भी पार्ट रन हो जाएगा। इसी चीज़ों को छोटे छोटे ब्रेक करने को उसी को बोलते हैं फंक्शन। यहाँ पे फिर से एक बार स्वैप पासिंग फिर ब्रेक होकर देता है आपको पासिंग आर्गुमेंट द मेन फंक्शन ये क्या होता है। देन यहाँ पर द फंक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम एंड द स्टार्टअप इज नेम मेन, मतलब समझ लो कि एक स्टार्टअप का नाम मेन है जो फंक्शन है। द मेन फंक्शन इज कैन बी डिफाइंड ऑफ द 2 नंबर ऑफ पैरामीटर्स विद इन द 2 पैरामीटर्स एंड फॉर पासिंग द कमांड लाइन एंड आर्गुमेंट प्रोग्राम्स इन बींग द एग्जीक्यूशंस द 2 प्रोग्राम आर रेफर्ड बाई द आर्गुमेंट सी एंड ERGCRGB थ्रू एनी नेम ऑफ यूज एंड बिकॉज दे हैव टू लोकल फंक्शन विच इज़ द डिक्लेरेशन मेन बॉडी एंड फंक्शन फॉलोइंग सिंटैक्स। यहाँ पे मेन के अंदर यहाँ पे आप रन करके देख सकते हो द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कमांड्स ऑफ इनवॉक एंड प्रोग्राम द ERGC एंड नॉन नेगेटिव एंड पॉइंटर टू बी अरे एंड चेंजिंग द स्ट्रिंग एंड अरे ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर द नंबर पॉइंट। इफ द वैल्यू ऑफ ERGC इज ग्रेटर देन 0 एंड अरे नंबर इज ERGV इज 0 एंड ERGV इज -1 इंक्लूडिंग द कंटेन पॉइंटर ऑफ टू स्ट्रिंग विच इज द इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन द वैल्यू ऑफ होस्ट इन्वायरमेंट बिफोर प्रोग्राम स्टार्टअप इन इंटेंट ऑफ द सप्लाई प्रोग्राम विथ द इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड बिफोर प्रोग्राम स्टार्टअप फ्रॉम द एल्सवेयर होस्ट इन्वायरमेंट कैन नॉट बी सप्लाई स्ट्रिंग्स विद इन द लेटर बोथ अपर केस एंड लोअर केस इन्वायरमेंट इंश्योर बाय द स्ट्रिंग एंड रिसीव द लोअर केस। यहाँ पे सारी चीज़ें केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है सी प्रोग्रामिंग, उसके रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड फंक्शन प्रोटोटाइप, और फंक्शन प्रोटोटाइप इज फंक्शन डिक्लेरेशन दैट वी स्पेसिफाई डेटा एंड आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स लिस्ट।
ये फंक्शन क्या होता है, एक प्रोटोटाइप होता है जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम जो भी स्पेसिफिक टास्क को उसको कंप्लीट करना है, डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको आर्गुमेंट और पैरामीटर्स के लिस्ट में देखता है। द कंपाइलर यूज टू इन्फॉर्मेशन फंक्शन टाइम प्रोटोटाइप इंश्योर द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज डिफाइंड ऑल करस्पॉन्डिंग फंक्शंस हैज डिक्लेरेशन एंड कॉल बाय द विद इन अ स्कोप ऑफ पैरामीटर्स एंड प्रोटोटाइप्स। ओके, ओल्ड स्टाइल फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन कैन बी डिक्लेरेशन इम्प्लिसिटली एंड अपीयरिंग इन अ कॉल, एंड उसके बाद में अगर हम जाएंगे देखने के लिए तो वो आर्गुमेंट्स हैव टू द फंक्शन एंड अंडर द डिफॉल्ट कन्वर्जेशन बिफोर कॉल द नंबर ऑफ टाइप एंड आर्गुमेंट्स नो चेक्ड। प्रोटोटाइप स्टाइल फंक्शन आर डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली एंड द प्रोटोटाइप बिफोर दे हैव अ कॉल इन मल्टीपल डिक्लेरेशंस। आर्गुमेंट फंक्शन यहाँ पे है एंड द फंक्शन यूज टू एलिस्क यूज टू पैरामीटर्स, वो आपको चारों लाइन याद करनी पड़ेगी। देन प्रोटोटाइप सिंटैक्स, ये होती है प्रोटोटाइप सिंटैक्स, यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिकली ये सब प्रोटोटाइप सिंटैक्स ही हैं जिनको आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो। ऑल प्रोटोटाइप इज आइडेंटिकल हेडर्स एंड करस्पॉन्डिंग द फंक्शंस डेफिनेशन फंक्शन स्पेसिफिक प्रोटोटाइप्स विद एडिशन ऑफ टर्मिनेशन एंड सेमी कॉलन और कॉमा एंड अप्रोप्रिएट डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोटाइप जो आप यूज कर रहे हो। यहाँ पर वो प्रोटोटाइप के सारे नेम भी आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप कुछ प्रोग्राम भी रन करके देख सकते हो। दिस कोड कंपाइल और मेनी कंपाइलर विदाउट एनी विदाउट गिविंग वार्निंग एंड इवन वी हैव एड एक्सपेक्ट एंड टू पैरामीटर्स बट रिसीविंग द ओनली वन। ओके, फिर यहाँ पर एक और प्रोग्राम है जिसको रन करके आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर सी रिकर्सन आता है। सी रिकर्सन की बात करें तो रिकर्सन इज अ प्रोसेस रिपीटिंग आइटम्स। रिकर्सन क्या है, एक प्रोसेस है रिपीटिंग आइटम्स का। सेल्फ सिमिलर वेज एंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इफ अ प्रोग्राम अलाउड टू हैव अ कॉल अ फंक्शन एंड सेम फंक्शन दैन इट कॉल बी द रिकर्सन। उसके बाद में दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट द रिकर्सन एंड फॉर बट वाइल यूजिंग द रिकर्सन प्रोग्राम्स नीड टू बी अ केयरफुली एंड डिफाइन द एग्जिस्ट कंडीशन एंड फंक्शन अदरवाइज रिकर्सन इज नंबर फैक्ट्स। यहाँ पर एक बार इसको भी रन करके देख सकते हो। देख फिनोनसियन सीरीज इसका भी रन करके सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सिन के अंदर जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। प्रिंट अप स्टैंड अप दे वर्क एंड द फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन प्राइमरी, यहाँ पर आप ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं और इसके अंदर में ताकि इसका रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। देन रिटर्न टाइप इन सी, जो भी एक्सरसाइज उसको फिनिश करने के बाद आप लेट मी नो कर सकते हैं। एंड इसको चैप्टर काफ़ी छोटा करने की कोशिश की मैंने, पास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्यों इसको इतना छोटा किया था। लाइब्रेरी फंक्शन के जो भी हेडर्स फाइल है उनको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फाइल है जो भी आपको दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद में द फंक्शन आर पोर्टेबल, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।